थैंक यू सो मच विश, सब लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे को आज, बर्थडे विशेज सुबह से आ रहे भर भर के, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। एंड आज उससे बड़ा चीज़ है मेरे लिए कि मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है रेशम, जो कि इतना बड़ा गाना है मेरे लिए, हमारी सीरीज़ का सेकेंड गाना है चैप्टर 2 रेशम। एंड अभी आगे सीरीज़ आने वाली है, चैप्टर्स आने वाले हैं, चैप्टर 3 चैप्टर 4, तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट है। तो आई फील बर्थडे से ज़्यादा ना आज नर्वसनेस से म्यूज़िक वीडियो को लेकर। आई फील लाइक पिछले साल से हम लोग प्लानिंग में थे गाने को, पूरी सीरीज़ बनाने के लिए हम लोग पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं। एंड बैक टू बैक हमने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट 10th को ही गाना आएगा चैप्टर 3, एंड उसके बाद अगले महीने आएगा 10th को ही चैप्टर 4। तो आई फील लाइक हम लोग पैक्ड, एडिटिंग चल रहा है, सब मिक्सिंग चल रही है गानों की, गाने कंपोज हो रहे हैं, तो फुल स्ट्रेस बना हुआ है अभी। तो शूट्स भी एक ही ज़्यादा आती है, वहाँ की ठंड। हम लोग कजाकिस्तान में शूट कर रहे थे जो सेकेंड गाना है हमारा, सेकेंड एंड थर्ड, हमने फोर्थ गाना शूट किया है उज़्बेकिस्तान में, तो वहाँ पर इतनी ठंडी, -18 से -20 में हम लोग शूट कर रहे थे, और उतनी गर्मी जितनी मुंबई में अभी है उससे ट्रिपल गुना ज़्यादा ठंडी थी वहाँ पर। तो शूट करते हुए आप देखोगे वीडियो में डायलॉग में धुआं निकल रहा है बाहर बात करते हुए, तो वो एक्सपीरियंस था कि इतनी ठंडी में आई डोंट थिंक किसी ने शूट किया होगा अब तक। मैंने ऑडियो वाइज में पहले बात करूँगा कि मैंने गाना आज से 2 साल पहले लिखा, एंड ये मैं गाना रखा हुआ था ऐसे ही, एंड मैं सोचता था ये गाने में समडे कुछ अच्छा स्टोरी आएगी तो मिक्स करके एक वीडियो बनाएंगे। जब मेरे को अप्रोच किया गया था तो चांद दे पूरा सीरीज़ बनाने के लिए, एंड जो आइडिया था कि अभी तक इंडिया में आई डोंट थिंक किसी ने भी किया है कि 4 म्यूज़िक वीडियो बैक टू बैक प्लान के शूट कर कर, इट्स लाइक अ मूवी बट यूट्यूब पर है, फ्री में है, एंड ऑडियंस को एंगेज करके रखा है। तो वो आइडिया जो था मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, तो दैट्स हाउ आई सेड कि मेरे पास ये सब गाने हैं। देन विद द होल टीम, डायरेक्टर फराज सर के साथ, इन सब के साथ बैठ के मैंने वी डिसाइडेड के ओके ये गाना जाएगा इसमें, ये गाना जाएगा इसमें, स्टोरी के हिसाब से गाने बनाए, उसको मिक्सिंग किया, प्रोग्रामिंग किया आदित्य देव सर ने, तो वो चीज़ है। सी, हर आर्टिस्ट अपना बेस्ट देना चाहता है, तो मेरे को लगा कि अभी सब लोग ना अपना एक ही जॉनर में अटके हुए हैं, अगर कोई रैप करे तो रैप में अटका हुआ है, कोई सैड गाने वो सैड में अटका हुआ है, तो आई सेड मेरे को वो उसमें बनना नहीं है। आई सेड एवरी टाइम ऑडियंस को बिना बताए शौक देंगे, कुछ नया देंगे, ऑडियंस को रोमांटिक चाहिए, सैड चाहिए, पार्टी सॉन्ग चाहिए, तीनों देंगे। बेसिकली तरीका बताने का कि रोमियो इज जस्ट नॉट अ सिंगर और एन एक्टर, ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स एंड वॉट एवर ऑडियंस वॉन्ट्स उससे। इतना बता दो हो अगर ख्वाब है तो मुझको जगा दो, तुम से दिल जुड़ गया है ऐसे जैसे रेशम के धागे जुड़ते हैं, जैसे पहले से जुड़े हुए हैं जब इमरान ने शुरुआत की, और मुझे ये जिम्मेदारी मिली कि रोमियो का जो लॉन्च है, जो जो सॉन्ग है फितूर, वो मुझे डायरेक्ट करना है, तो बहुत मेहनत की थी हमने उसमें, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला हमें, तो बस वहीं से उस जर्नी की शुरुआत हुई और हमने फितूर बनाया, दीवाना बनाया, और अब ये एक म्यूज़िकल सीरीज़ जो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें 4 चैप्टर्स हैं हमारे इस सीरीज़ के, तू चांद है, जिसका ये सेकेंड चैप्टर रेशम अभी रिलीज़ हुआ है, एंड आई एम श्योर कि अगले जो चैप्टर्स हैं सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे, और बहुत अच्छा एक कोलैबोरेशन हमारा हुआ है, और बहुत मेहनत के साथ हमने ये गाने बनाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। बहुत अच्छा था, इट वाज लाइक अ ड्रीम, लोकेशंस भी इतने खूबसूरत थे, और फराज सर का डायरेक्शन भी इतना स्मूथ था कि यू डोंट फील लाइक यू आर इन अ फिल्म और इवन शूटिंग, बट बहुत स्मूथ था, आई रियली एंजॉयड इट। डिफिकल्ट था लेकिन वी मैनेज, या सॉन्ग को लेकर क्या कहना चाहिए? सॉन्ग को लेकर बहुत स्पेशल है ये स्टोरी, भी पहले टाइम सीक्वल्स में बनाया है, तो आई थिंक यू ऑल शुड वेट फॉर द सेकेंड वन, क्योंकि सेकेंड वन इज गोना बी इवन बेटर देन दिस वन। दोनों के साथ में किस तरीके का एक्सपीरियंस? टेल अस दैट, दैट्स इंपॉर्टेंट।
सो पहले मैं बहुत नर्वस थी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बट द मिनट हम शूटिंग कर रहे थे और जब हम शूटिंग कर रहे थे तो इट वॉज लाइक वी न्यू ईच अदर फ्रॉम बिफोर, कि हम पहले से ही दोस्त हैं और वहाँ से ही इतना स्मूथ गया था कि इट वॉज रियली गुड. जहाँ तक बात है रेशम एंड दू चांद चैप्टर्स की, आई फील लाइक बहुत फिल्मी है एंड हॉलीवुड लेवल फिल्म. इट्स ए कम्प्लीट स्टोरी, जैसे कि फिल्म में एक कम्प्लीट स्टोरी होती है, वही हमने सीरीज में कवर करने की कोशिश की है. वही मैंने आपको बताया कि इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट, इस पूरी सीरीज में एक कहानी है जो हम चार चैप्टर्स के थ्रू दिखा रहे हैं.